लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मौत से पहले मेजर की वाइफ शैलजा ने आखिरी पोस्ट में क्या लिखा था। भारतीय सेना में मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी की हत्या कर दी गई। शनिवार को दिल्ली में उनकी बॉडी बरामद की गई थी। हत्या के आरोप में रविवार को आर्मी ऑफिसर मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शैलजा की उम्र 35 साल थी और वह मूल रूप से अमृतसर की रहने वाली थी। शैलजा फेसबुक पर भी एक्टिव रहती थी। फेसबुक पर मौत से एक दिन पहले अपने आखिरी पब्लिक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जब आपकी जिंदगी में काफी रंग भरे हों, फिर भी आपको यह याद रहना चाहिए कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आती हैं। इसके साथ उन्होंने सफेद कुर्ते में अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने ये फेसबुक पोस्ट 22 जून को रात 10:48 पर किया था। मेजर अमित से शादी के दौरान शैलजा। फोटो साभार 11 जून को अपना फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर बदलते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरे पास शायद बहुत खूबसूरत चेहरा नहीं है, लेकिन मैं हूँ। फेसबुक इंट्रो में शैलजा ने खुद की पहचान मिस्ट्रेस इंडिया अर्थ मोस्ट क्रिएटिव टाइटल विजेता के दौर पर जाहिर की थी। फोटो हत्या का आरोपी मेजर हांडा और शैलजा। उधर पुलिस जांच में ये सामने आया है कि आरोपी मेजर हांडा और शैलजा के बीच अफेयर था। दोनों के बीच इतनी करीबियत थी कि बीते 6 महीने में आरोपी ने शैलजा को 3,000 बार कॉल किया था। फोटो साभार काम शैलजा ब्लॉग। शैलजा और हांडा 2015 से ही एक दूसरे को जानते थे। शुरुआत तब हुई जब शैलजा के पति नागालैंड के दीमापुर में पोस्टेड थे। यहीं पर मेजर हांडा भी तैनात थे। पुलिस के मुताबिक आधिकारिक कार्यक्रमों और अन्य सोशल इवेंट्स में दोनों की मुलाकात होने लगी। पति के साथ शैलजा, शैलजा और हांडा दीमापुर में पड़ोसी भी थे। हांडा वहां अकेले रहते थे। कहा जा रहा है कि जब 2 महीने पहले मेजर अमित परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए, तब से मेजर हांडा शैलजा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उधर दिल्ली पुलिस ने रविवार को यह भी दावा किया कि मेजर निखिल हांडा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हांडा ने कहा है कि जब शैलजा ने उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आगे जारी रखने से इनकार कर दिया, तब उसने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शनिवार को सुबह उसने हत्या को प्लान किया और दोपहर में अंजाम दे दिया। पुलिस ने कहा कि शैलजा का मेजर निखिल हांडा के साथ अफेयर था। उसके पति और प्रेमी दोनों नागालैंड के दीमापुर में पोस्टेड थे, लेकिन 2 महीने पहले मेजर अमित का दिल्ली ट्रांसफर हो गया। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने मेल टुडे को बताया कि अमित द्विवेदी को पत्नी और हांडा के अफेयर के बारे में जानकारी थी और उन्होंने अफेयर खत्म करने के लिए चेतावनी दी थी। शैलजा ने अफेयर खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने हांडा से बात करना बंद कर दिया था और पति के साथ दिल्ली आ गई थी। दिल्ली आने के बाद शैलजा दिल्ली के आर्मी बेस हॉस्पिटल जाने लगी। हांडा को उनके ट्रीटमेंट की जानकारी थी। कुछ दिनों पहले वे अपनी बीमारी के इलाज के नाम पर दिल्ली आ गया। शनिवार को दिल्ली में शैलजा की बॉडी बरामद की गई थी। हत्या के आरोप में रविवार को आर्मी ऑफिसर मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। हत्या वक्त हांडा के पास 2 स्विस चाकू था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान वह लगातार अपने बयान बदल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हांडा ने शैलजा को एक फोन भी गिफ्ट में दिया था। शैलजा जब नागालैंड से अपने घर अमृतसर गई थी, तब भी आरोपी मेजर शैलजा से मुलाकात करने के लिए वहां पहुंच गया था। शैलजा की उम्र 35 साल थी। एक वेबसाइट पर मौजूद उनके प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने अर्बन प्लानिंग में MTA की डिग्री हासिल की थी। वहीं मिस्ट्रेस इंडिया अर्थ मैगजीन के कवर पर पिछले साल जुलाई में सबसे अधिक क्रिएटिव महिला के रूप में उनकी फोटो भी छपी थी। शैलजा ने दिसंबर 2009 में आर्मी अफसर अमित से शादी की थी। शैलजा को सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग और बॉलीवुड गाने सुनना पसंद था। शैलजा को जोक्स सुनाना भी खूब आता था।